दिल्ली में हुए जबरदस्त हंगामे की खबर से यूपीएससी परीक्षा के पैटर्न को बदलने की मांग को लेकर राजधानी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया है। अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई है, स्टूडेंट विंग है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और उसी के छात्रों ने यह हल्ला हंगामा किया है। यूपीएससी परीक्षा पैटर्न बदलने की मांग लंबे वक्त से वो छात्र कर रहे हैं जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से आते हैं। इसके अलावा जिनका माध्यम हिंदी होता है परीक्षा देने का, उनका यह कहना है कि सी सेट की वजह से उनके सामने तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं और हिंदी भाषी हिंदी बोलने वाले छात्र छात्राओं का चयन बहुत कम हो रहा है। और उनके समर्थन में अब आगे आई है एबीवीपी, बीजेपी की छात्र इकाई, और उसके बाद देखिए सड़क पर किस तरीके से हल्ला हंगामा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह छात्र संगठन एबीवीपी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, ऐसे में पुलिस ने वहां पर पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। मौजूदा जो पैटर्न है यूपीएससी में जिस पैटर्न के तहत एग्जाम लिए जाते हैं उसको बदलने की मांग कर रहे हैं ये छात्र। जब से सी सेट इंट्रोड्यूस किया गया है, जब से बदलाव करके परीक्षाएं ली जा रही हैं, तब से जो हिंदी भाषी छात्र होते हैं और खास तौर पर जो हिंदी बेल्ट से आते हैं, उनका ये कहना कि उनका चयन उनका सिलेक्शन बहुत कम हो पा रहा है, इसलिए जल्द से जल्द इस पैटर्न को बदलें। यूपीएससी के बाहर भी छात्र पिछले दिनों प्रदर्शन करते नजर आए थे और आज उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का साथ मिल गया है। बीजेपी की जो छात्र इकाई है एबीवीपी, उसके छात्र आज बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे।